आप पक्का इसे बेचना चाहती हैं? हाँ गणेश भाई, मैंने बताया ना आपको, ये बहुत पुराना हो गया है और बार बार टूट भी जाता है। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी फिर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन भाई साहब, मुझे यही कलर और यही मॉडल चाहिए, और भाई साहब डिलीवरी आज शाम को ही चाहिए। वाह 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 टप्पू, वाह जबरदस्त प्लान बनाया तुम लोगों ने। मजा आएगा। थैंक यू पापा। अब आप सबसे पहले भीड़ अंकल को फोन कीजिए। अरे वाह। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, कहाँ है तू? मैं तो एसटी रोड पे हूँ। क्यों? अरे तू वहाँ कहाँ पहुँच गया भाई? तुझे तो यहाँ होना चाहिए था। यहाँ मतलब? मेरी दुकान पे। है? क्यों? अरे माधवी भाभी कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। माधवी तुम्हारी दुकान में क्या कर रही है? अभी वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता भाई। कमाल है, कहीं माधवी मुझे सरप्राइज में टीवी तो गिफ्ट नहीं करने वाली। अरे बाप रे, तुझे पता चल गया। चल कोई बात नहीं, मुबारक हो। अरे कसलो मुबारक, अरे घर में ऑलरेडी एक टीवी है तो दूसरा टीवी खरीदने की क्या जरूरत है? घर में प्लाज्मा टीवी है। प्लाज्मा टीवी नहीं है लेकिन। हाँ तो फिर माधवी बाबी लेटेस्ट प्लाज्मा टीवी खरीद रहे तेरे लिए भाई। अरे लेकिन कशाला होगा था खर्च। एक काम करो जेठालाल, माधवी को फोन दो। माधवी बाबी गोडाउन में है। माधवी गोडाउन में क्या कर रही है? मतलब मैं गोडाउन में हूँ, माधवी भाभी दुकान में है। ऐसा भाई तू जल्दी आना वरना मैं बिल बना देता हूँ। नहीं नहीं, बिल ले मैं आ रहा हूँ, रिक्शा रिक्शा। अभी दौड़ता हूँ आएगा, टप्पू को बोल देता हूँ। अरे टप्पू, पापा का फोन। हाँ पापा। हाँ टप्पू, काम हो गया है। थैंक यू पापा, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, काम हो गया। अरे नट्टू काका, ये भागा अभी तक आया क्यों नहीं? बस आता ही होगा सेठ जी, बी पेशेंट। पेशेंट मतलब धीरज रखिए, भागा आता ही होगा। अरे भिड़े आ जाएगा, भिड़े आ जाए उसके पहले उसके कपड़े आ जाने चाहिए ना। भिड़े भाई के कपड़े आ गए। कपड़े तेरे पास? हाँ। अरे भिड़े के कपड़े तू कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। नट्टू काका भागा कहाँ है? एक मिनट सेठ जी, बावरी बेटा नंदू भाई टेलर के पास तो भागा गया था, तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? रिक्शा से। नट्टू काका भागा को फोन करो, भागा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। भागा ये सब क्या है? क्या? अरे भिड़े के कपड़े लाने के लिए मैंने तुझे भेजा था ना। तो फिर ये बावरी कहाँ से लेके आई? नंदू टेलर से। भाई नंदू टेलर के पास बावरी पहुंची कैसे? रिक्शा से। बावरी जी एक मिनट, सेठ जी मैंने ही बावरी जी को वहां बुलाया था। क्यों? मुझे दूसरों के कपड़ों की शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ और उसमें बावरी जी का दिमाग भी एकदम मस्त चलता है। सेठ जी, बावरी जी आपको एक सरप्राइज देना चाहती है। बावरी जी कैसे हैं जेठालाल जी? सरप्राइज क्या बोला ना भाई? यही तो सरप्राइज है, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या कहा, कैसे हैं जेठालाल जी? सेठ जी आज पहली बार बावरी जी ने आपका नाम एकदम सही बोला है। ब्रेवो ब्रेवो बावरो, बावरी ब्रेवो। थैंक यू। आज सुबह से मैं घर पर प्रैक्टिस कर रही थी। जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा, जेठालाल जी बड़ा। चलो बस। नहीं 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 बावरी जी, जेठालाल जी बड़ा नहीं, जेठालाल जी गड़ा। गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है कभी कभी। अरे कभी कभी क्या है, हमेशा ही गलती करती है। अरे सेठ जी भिड़े भाई अभी आ जाएंगे, बताइए ये कपड़े मुझे कहाँ छुपाने हैं? कपड़े छुपाने थे तो हम लाए क्यों? बाका जरा एक मिनट इधर। जी सेठ जी। जी ये बावरी को तो कहीं दूर छुपा के आ सकता है। मतलब अभी बावरी का कोई काम नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, अभी कोई मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो जरा इनको बाइज्जत
समझ गया सेठ जी। आइए बावरी जी, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ देता हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू तेजामल जी गड़ा। नहीं नहीं, तेजामल जी गड़ा नहीं बावरी जी। बार 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 जाकर रिपेयर कर रहा है। आइए 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 बावरी जी, आइए। भीड़े अभी तक क्यों नहीं आया? सेठ जी, समझ में नहीं आ रहा है इसे कहाँ छुपाऊं। अरे लेकिन छुपाना क्यों है आपको, इसको लटका दो ना, कहीं यहाँ लटका दीजिए। अच्छा 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 ठीक है। माधवी माधवी, जेठालाल जेठालाल, माधवी कहाँ है? नहीं माधवी बापी यहाँ नहीं है। किसने बोला माधवी बापी यहाँ है? ये क्या मजाक है जेठालाल? ये मजाक नहीं है, सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ भाई, आज के दिन को टप्पू सेना ने सरप्राइज डे घोषित किया है। सरप्राइज डे? क्या तुम और माधवी भाभी अपनी हर शादी की सालगिरह पर एक दूसरे के साथ सरप्राइज सरप्राइज खेलते हो ना, तो इस बार पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने तुम दोनों के साथ ये सरप्राइज का गेम खेलने का नक्की किया है। जेठालाल काय चल रहा है, काही समझत नहीं। झगड़ा माइती पढ़ना, पहले ये जो नए कपड़े है तुम्हारे लिए वो पहन लो। नटू काका कपड़े लाओ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अचानक यहाँ पे बुला लिया और ये नए कपड़े क्या? Yes, बेड़े भाई, टुडे इज योर ऑस्पिशियस डे, सो टुडे यू हैव टू वेयर दिस गॉर्जियस क्लोथ्स। गॉर्जियस क्लोथ्स व्हाटएवर। अब तो आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे अगवा क्यों किया आप लोगों ने? बोलो। आपका टेक ओवर करते हैं। अगवा टेक? नहीं नहीं नहीं, टेक ओवर नहीं, मेक ओवर करते जी। का मस्त ऐसे, और आपको हम जैसे कहेंगे आपको वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। और कपड़े भी हम जो लाए हैं वही पहनने पड़ेंगे। Yes, and trust me, इन कपड़ों में ना भीरे भाई तो आपको देखते ही रह जाएंगे बस। क्यों? देखिए आप लोग। Sorry, sorry, can't help it. ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से मतलब पोपड़ भाऊजी को ऑर्डर है? नहीं मतलब टप्पू सेना का ऑर्डर है। ओहो, टप्पू सेना का? अरे बापरे। बदलो कपड़े। अरे भाई तो जीत क्यों कर रहा है, कपड़े बदल लेना। अरे लेकिन इन कपड़ों में क्या बुराई है? भाई इन कपड़ों में तो टीचर लगता है। तो टीचर हो तो लगूंगा इन्हें टीचर जेठालाल। हाँ लेकिन आज हमने सबने नक्की किया है कि तुम हीरो दिखना चाहिए, माधवी भाभी के हीरो। ले ले चलते, सोच मत, जल्दी बदल लो, अभी गाड़ी भी आती होगी। गाड़ी? अरे भाई बोले ना, तुझे हीरो बनना है। हमारी सोसाइटी में कितने हीरो आए, कोई ऑटो रिक्शा में आया? नहीं ना, तो फिर हीरो की एंट्री कैसे धमाकेदार एकदम मस्त ऐसे गाड़ी में होती है? ऐसे तेरी एंट्री भी आज सोसाइटी में गाड़ी में होगी। चाचा बदलने फिर मुझे भी बदलने भाई। भीड़े दिन के आते ही हम फटाफट तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बस एक बार रेडी होके तो आ जाए। बस सारी लेडीज तैयार हो गई? हाँ हाँ, उनका फोन आया था, सब लोग रेडी है। कैसी लग रही हूँ मैं?
लोग पहुंच गए। पहुंच गए मतलब जेठालाल, तुम मुझे कहां लेके आए हो? काय सर ले? खबरदार जो आंखों से पट्टी हटाई है तो, जब तक मैं ना बोलूं आंखों से पट्टी नहीं हटाएगा तू। निकल रे काय, अरे ये क्या हो रहा है जेठालाल? अरे भगवान, कितने ऐसे इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये किडनैपिंग का बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत थी? तूने मजबूर किया मुझे ये किडनैपिंग का धंधा चालू करने के लिए है? तो जब देखो तब मेंटेनेंस का चेक, मेंटेनेंस का चेक। सॉरी जेठालाल, लेकिन इतनी सी बात के लिए किडनैप? अरे भाई तुम मेंटेनेंस कभी मत देना, चाहिए तो तुम्हारा मेंटेनेंस भी मैं भर दिया करूंगा। लेकिन मुझे छोड़ दो जेठालाल, आज मेरी शादी की सालगिरह है, माधवी वहां पे वेट करती होगी मेरा। तुम कितना बोरिंग आदमी है, तो मजाक भी नहीं समझता यार। तो शांति से बैठने भाई, मैं तुझे किडनैप करके गोकुलधाम सोसाइटी में लाया हूँ। अच्छा, तुझे दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। तो फिर ऐसे ऐसे करके क्या देख रहा है? लेकिन पट्टी क्यों बांधी आंखों पे? अरे भाई सब पता चल जाएगा, शांति रखना भाई, ये सब तेरे लिए ही कर रहे। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं होगा। एक मिनट, मैं उधर से दरवाजा खोलता हूँ, फिर बाद में उतर तू। अरे संभल के मैं आ देता हूँ। अच्छा सीधा सीधा चल अभी। हाँ मेरा एक बैग था वो। है भाई मेरे पास है। बस बस कुछ नहीं है। बबीता जी, कहाँ गए ये लोग? माधवी, आहो, आप? अरे माधवी देखो ना, जेठालाल ने मेरे आंखों पे पट्टी बांधी है। वो मेरे भी आंखों पे पट्टी बांधी है बबीता जी और दया भाभी ने। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चल रहे हैं। अरे भाई जेठालाल, बबीता जी, दया भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग आंखों में से पट्टी निकाले। अरे चुप क्यों, बोलो। बोला ये निकालो, अभी कोई बोल नहीं रहा है तो। माधवी, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। और आप भी इतने मस्त लग रहे हो। हो ना, जेठालाल ने मुझे तैयार किया है। और मुझे पपीता जी और दया भाभी ने। कमल है, इनसे काय चल रहे हैं? अरे ये इतना अंधेरा क्यों है? पपीता जी, दया भाभी। अरे जेठालाल कहाँ है सब लोग? अरे जेठालाल, मेहता साहब, हाथी भाई, सोड़ी, पोपटलाल, कहाँ हो तुम लोग? दया भाभी। क्या बोले? काय सुंदर केले। अरे टप्पू से ना जेठालाल। वो देखो लिखा है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मिस्टर एंड मिसेस भिड़े। सो स्वीट। बाप रे बाप, आहो पूरी की पूरी सोसाइटी सजा दी इन लोगों ने। ये वो देखो उधर भी है बोर्ड। अया क्या बात है, पूरी सोसाइटी को सजा दिया है। तेज ना। वाह वाह वाह, ये यकीन नहीं हो रहा। अरे कहाँ है सब लोग? हैप्पी मैरिज। सत्य के साल की रंग मुबारक हो।
थैंक यू आती भाई, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल, ये सब बाप रे बाप, ओ हो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वाओ माधवी भाभी, गाउन कितना सूट कर रहा है आपको, और भिड़े भाई भी सूट में एकदम जच रहे हैं, दोनों बहुत मस्त दिख रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों, भगवान आपकी जोड़ी सदा सलामत रखे, आप लोग हमेशा खुश रहिए बस। एकदम परफेक्ट जोड़ी, जैसे खोदाई जी ने बनानी जोड़ी, नजर नहीं लागे। थैंक यू अभी ये क्या? अभी मजा आएगा। अरे भिड़े, असली सरप्राइज तो अभी है भाई। अभी तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग बजेगा और उसमें आप दोनों को डांस करना पड़ेगा। अगो भाई, नहीं डांस वगैरह नहीं करेंगे। हाँ नहीं, डांस वास नहीं है। अरे अरे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा भाई, आज तो डांस करना ही पड़ेगा। मुझे शर्म आती है। नहीं डांस वास नहीं, सबके सामने वो भी। और भिड़े भाई, आज तो इसलिए नाचना पड़ेगा क्योंकि मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी। सही बात है। नहीं वो, और सबके सामने डांस। अरे बदतमीज दिल, ऐसा डांस सबके सामने जलसा पार्टी में किसने किया था? हमने किया था। चल और भाई, आज तो खुशी का दिन है, तुम लोगों का दिन है, तो खुशी मनाओ, नाचो झूमो गाओ। और बिडू, ये लाइट तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा है, और डांस के बगैर तुम इसे पार नहीं कर सकते। नहीं डांस वगैरह नहीं करेंगे। डांस रहने दो ना। नहीं अरे आज आप दोनों की वेल्डिंग नर्सरी है, आप लोग भूल जाइए कि यहाँ आसपास में कोई है भी, बस डांस करके सेलिब्रेट कीजिए। हाँ वो मुझे लगता है माधवी भाभी को संकोच हो रहा, तो वांदा नहीं, भिड़े अकेला बोले ना नाचे। वो दोनों नाचेंगे तो जरा अच्छा रहेगा ना। अरे चल बिल्ली मास्टर, अरे चलो सब लोग घर के ही है, उसमें शर्माने का क्या है। ठीक है, हम भूल जाते हैं माधवी के आसपास हमारे कोई है, हम डांस करते हैं। ओके अरे वाह, तो
थैंक यू। दोस्तों यहाँ सरप्राइज के तीन संदूक थे जिसमें से दो खुल चुके हैं। पहला संदूक टप्पू सेना ने ऐसा सरप्राइज दिया भिड़े और माधवी भाभी को कि भिड़े और माधवी भाभी से जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और दूसरा संदूक खुला माधवी भाभी के गिफ्ट के रूप में, यानी कि एक चमचमाता हुआ स्कूटर। ये स्कूटर भिड़े के लिए गिफ्ट नहीं है, उनका अधूरा सपना है जो माधवी भाभी ने पूरा किया है। लेकिन अभी तीसरा संदूक खुलने के इंतजार में है, यानी कि भिड़े के गिफ्ट माधवी भाभी को। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे भाई? सारी सोसाइटी वाले भिड़े को दो दिनों से नया स्कूटर खरीदने के लिए कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरप्राइज जो माधवी भाभी ने भिड़े को दिया है वही सरप्राइज भिड़े हम सभी को देते भाई? स्थिति बड़ी असमंजस की है, लेकिन इतना जरूर तय है आप और हम दोनों ही देखना चाहते हैं कि इस सरप्राइज के संदूक में से क्या निकलेगा। भिड़े क्या सरप्राइज देंगे, लेकिन इतना जरूर है आप हंसते हुए सरप्राइज नहीं होंगे। बस हंसते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।